अब लग रहा है वापस आप काम वापस शुरू कर सकते हो अपना? सर जैसी स्थिति है, हाँ, 1-2 महीने में लग रहा मैं चले जाऊंगा काम पे। बहुत बढ़िया जी, पहले तो तालियां इसके लिए, बहुत अच्छा। यहाँ से जाने के बाद दर्द का क्या रहा? दर्द कम ज़्यादा या फिर वैसे का वैसे या फिर कभी बहुत कम बहुत ज़्यादा? क्लियर चीज़ें बतानी है पेशेंट को। दर्द सर, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अमित भारती, सुश्रुत आयुर्वेद दर्शन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे पास जो है पेशेंट आए हैं रविंद्र सैनी, कहाँ से? शामली से रविंद्र सैनी आए हैं हमारे पास फॉलोअप लेने के लिए आए हैं। 4 महीने बाद बहुत अच्छी और जो है बेटर कंडीशन लेके आए हैं। सबसे पहले इनका एक्सरे रिपोर्ट जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनसे पूछेंगे ये 4 महीने बाद जो है जो इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है वो क्या क्या चीज़ें करके हुआ है, घर में क्या क्या परहेज हुआ है, वो सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। हेड ऑफ फीमर की इसमें बहुत बुरी स्थिति है, ये इतने सारे गड्ढे हैं जो ड्रॉ किए हुए हैं हमने, ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे। हेड ऑफ फीमर की बहुत बुरी स्थिति थी, एडवांस स्टेज का एवेस्कुलर नेक्रोसिस था, इसमें भी बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं, क्लियरली दिख रहे होंगे, है ना? तो ये बहुत बुरी स्थिति बनी हुई थी हड्डी की, ये क्लियरली ड्रॉ थी, त्रिभुजाकार हड्डी बन चुकी थी बिल्कुल, है ना? इसमें भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब देखिए 2 महीने बाद 4 महीने के बाद की अगर हम रिपोर्ट दिखाएं, पहले डेट देख लेते हैं, है ना? ये देखिए ये कौन सी डेट है, 21/12/2023, ठीक है? अभी इसकी डेट देख लीजिए पहले, 25/4/2024। पेशेंट का नाम है रविंद्र सैनी जी, ठीक। चलिए अब सबसे पहले तो जो है ये वाली रिपोर्ट एक बार और अच्छे से देखिए, इतने सारे गड्ढे हैं, इसमें भी इतने सारे गड्ढे हैं। अब देखिए जादू दिखाते हैं आपको, ये देखिए, देख रहे हो हड्डी ऊपर से प्रॉपर बनना शुरू हुई है, ये त्रिभुजाकार नहीं है, प्रॉपर बनना शुरू हुए हैं और गड्ढे कितने हैं, इतने बचे हुए हैं बस, बाकी ऑलमोस्ट बोन हील हो चुकी है। देखिए इसमें देखिए इतने गड्ढे हैं बस ऑलमोस्ट, है ना? और हड्डी ऊपर से बनना ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं, मूवमेंट भी बहुत अच्छे हैं, अभी अभी डिस्कस करेंगे आपको डिटेल में। देखिए इस वाली रिपोर्ट में देखिए डिटेल में देख रहे हो, है ना? और इसमें देखिए डिटेल में ना के बराबर गड्ढे बचे हुए हैं, प्रॉपर अच्छे से हील हो चुकी है। हमारा जो है कितने दिन का ट्रीटमेंट चला था यहाँ पे? 7 दिन का ट्रीटमेंट कंटिन्यू चला, ठीक। अब 7 दिन के बाद जो है आपका ट्रीटमेंट कब तक चला है? 7 दिन के बाद जो है आपने क्या क्या किया घर में? 7 दिन तक जो सर आपने बताया सब करा मैंने, ठीक। 7 दिन का ट्रीटमेंट हो गया, अब आप घर चले गए यहाँ से, हाँ जी। फिर उसके बाद घर में प्रॉपर जो मैंने चीजें बताई थी वो चीजें फॉलो करी, सुबह एक्सरसाइज हुई, ठीक है। फिर बस्ती प्रॉपर ली, मॉर्निंग की बस्ती कभी छूटी तो नहीं? नहीं, मॉर्निंग की भी बस्ती कंटिन्यू ली। फिर उसके बाद खाली पेट की दवाई ली, फिर हाँ खाली पेट वाली दवाई, खाना वाना खाया। फिर दिन में लेप किस टाइम लगाते थे आप? लेप दोपहर में लगाते थे, कब तक लगा? जब तक पूरा सूखा नहीं, है ना? जब तक सूखा नहीं, सर्दियों में हीटर से सुखा जाता, बहुत बढ़िया। अब धूप से, सर्दियों में हीटर से सुखा रहे थे आप और बाकी जो है धूप से अभी हो जा रहा है, ठीक है। शाम की बस्ती कंटिन्यूली, आप मुझे ये बताइए जब आप मेरे पास आए थे स्टार्टिंग में कैसी स्थिति थी, कैसे आए थे आप मेरे पास, किस चीज में आए थे? स्थिति बहुत खराब थी सर, गाड़ी बुक करा के आए थे ना? गाड़ी करके आया था, हाँ। और आज कैसे आए हो आप? बस से आए, आज नॉर्मली बस से आए हो, है ना? तो मतलब काफी अच्छी स्थिति है। चलने फिरने में क्या समस्या थी पहले, पैरों में क्या भारीपन रहता था? कौन सा रहता था? जगड़न रहती दोनों ही पैरों में, दोनों पैरों। वेट जो है वो कितना कम हुआ है आपका? वेट मैनेजमेंट 18 किलो, 18 किलो कम हुआ है। कितने महीने में हुआ है ये? लगभग 4 महीने, 4 महीने में 18 किलो कम हुआ है। तो देखिए पंचतत्व द्रव्यों की जो बस्ती डाली जाती है, मैं कई बार बोलता हूँ, उससे वेट मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत औसम तरीका के होता है ना। अब देखिए पेट कैसा रहता था आपका, मोशन वगैरह सब कुछ सही रहते थे? खान पीन में जो चीज़ें परहेज करने के लिए बोला थी सारी चीज़ें करी आपने? सब करी, उससे अलग कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं, नहीं। खाने पीने में अब मैं थोड़ा सा लीनियंसी दूंगा आपको, कुछ चीज़ें जो है शॉर्ट करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। एक और चीज़ आप मुझे बताइए कि जो है यहाँ से जाने के बाद दर्द का क्या रहा? दर्द कम ज़्यादा या फिर वैसे का वैसे या फिर कभी बहुत कम बहुत ज़्यादा? क्लियर चीज़ें बतानी है पेशेंट को। दर्द सर सर्दियों में कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, सर्दियों में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर अब धीरे धीरे, अब तो दर्द मेरा है नहीं, अब ना के बराबर है, है भी तो थोड़ा बहुत, है ना? बस चलने में दिखते हैं थोड़ा बहुत, है ना? और पहले कैसे था, पहले की क्या स्थिति थी? पहले तो बहुत थी दिक्कत थी, चल भी जाओ तो बहुत थी, बहुत लेटे हुए भी दर्द, बैठे हुए भी दर्द हो गया, ठीक है। जब जैसे लेटते थे तो लेटे भी दर्द होता था, बिना चले फिरे लेटे में। करवट नहीं ली जा रही थी, करवट नहीं ली जा रही। अभी सो पा रहे हैं आप अच्छे से? हाँ जी, अब तो सो जाओ। अच्छा एक और चीज़ है, क्या हमने कोई एलोपैथिक दवाई का कोई इस्तेमाल किया है इसमें? प्योर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट हुआ है आपका? आपका जो है जो दवाइयाँ आपको डिस्चार्ज में दी थी उसमें कोई पेन किलर या फिर कोई एलोपैथिक दवाई ऐसा कुछ था? नहीं। तो प्योर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के माध्यम से ये सब चीज़ें हुई है ना? अच्छा आप एक और चीज़ बताइए, आप जो है क्या काम करते हैं? मैं जी
व्हील बनाता हूँ उस टाइम। और अभी काम वाम थोड़ा बहुत शुरू करना शुरू किया है आपने? नहीं अभी नहीं। चलो ठीक है, अभी परहेज के लिए बोला गया था, है ना। अब लग रहा है वापस आप काम वापस शुरू कर सकते हो अपना? सर जैसी स्थिति है, हाँ हाँ, एक दो महीने में लग रहा है मैं चले जाऊँगा काम पे। बहुत बढ़िया जी, पहले तो तालियां इनके लिए, बहुत अच्छा।